कपूर की जो खबरें आ रही है और जो वीडियो वायरल हुआ है, वो हम सबों का और इस देश का सर सर जो है शर्म से झुकाते हैं, शर्मसार करने वाली घटना है। और मुझको तो आश्चर्य इस बात का है हुआ कि ये घटना हो सकती है, लेकिन ये घटना है 4 मई की। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, डबल इंजन है। बड़ी लोग छाती पीटते हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार में हम ये तूफान वो तूफान खड़ा करें। इस डबल इंजन की सरकार ने इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को 4 मई की जो घटना हुई उसकी जानकारी तक नहीं है। जब वीडियो वायरल होता है तब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कौन सा सरकार चला रहे इस देश में? कौन सी सरकार अपने मणिपुर में आप चला रहे हैं? वो पूर्वोत्तर का राज्य है, बहुत ही सेंसिटिव, वहां का संवेदनशील परिस्थितियों वाला राज्य है। और आपका आईबी क्या कर रहा था? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको सूचना तक नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को सूचना नहीं है, इस देश के गृह मंत्री को सूचना नहीं है। और जब वीडियो वायरल होता है तब आपको लगता है कि ऐसी घटना मणिपुर में हुई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको तो वीडियो वायरल हुआ तब जानकारी मिली, तो केंद्र की सरकार को पता नहीं है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को पता नहीं है। कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? कौन सा गवर्नेंस आप कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं इस देश पर? सिर्फ विदेशों में घूम घूम कर जयकारा लगवा के देश का सम्मान नहीं बढ़ता है। देश के नागरिकों का की रक्षा अगर आप कर सकते हैं, देश की सरकार चला रहे हैं, देश के नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं, देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको अगर आप संबोधित करेंगे, उसके समाधान का कोई रास्ता निकालेंगे, तब देश का सम्मान बढ़ेगा। आपका सम्मान बढ़ रहा होगा, विदेश जा रहे हैं वहां लोगों को जमा कर ले रहे हैं और जमा करके नारा लगवा के और लौट के आके कहते हैं देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये आपका सम्मान भले आप अपना बढ़ा रहे हो, लेकिन देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है। मणिपुर की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे देश का सम्मान गिरा है। आज पूरे दुनिया में देश का सम्मान गिरा है, और वो भी इतनी 4 मई की घटना, 77 दिन के बाद। मणिपुर में इतने दिनों से हिंसा हो रही है और इस देश के प्रधानमंत्री को एक शब्द भी मणिपुर के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का फुर्सत नहीं है, उनको टाइम नहीं है। इस देश के गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है कि 2 महीना 1.5 महीना के बाद मणिपुर गए घूम रहे थे, ऐसा तो है नहीं। बंगाल घूम रहे थे, उड़ीसा घूम रहे थे, देश के अन्य राज्यों में घूम रहे थे, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे थे। किसकी जिम्मेवारी है? डबल इंजन की सरकार है। तो इसलिए ये सरकार जो सरकार संवेदनहीन हो, उसका फैसला इस देश की जनता आने वाले समय में कर देगी। आपको तो शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब आपके मुंह से एक शब्द निकल रहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस वीडियो को देख के स्वतः संज्ञान लिया। इसलिए इंतजार करिए, 2024 आने वाला है। आपकी जितनी संवेदनहीनता है उस सब का जनता आकलन कर रही है। अभी तो कौन क्रोध क्रोध भरा हुआ था, जब आपको पता ही नहीं 4 मई की घटना है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो कहां से क्रोध भर गया? बढ़िया बढ़िया भाषा बोलने से क्रोध नहीं प्रकट होता है। क्रोध तो प्रकट होता है, आपने कहां बर्खास्त कर दिया वहां की सरकार को? मणिपुर के मुख्यमंत्री से आप इस्तीफा मांगते? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है? ये सब बेकार चीज है बोलने के लिए। बेगूसराय की घटना को जोड़ा जा रहा है, बेगूसराय की घटना तो उदाहरण है।
24 घंटा के अंदर पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तार भी हो गया मुख्य अभियुक्त। यही तो है, इसको कहते हैं शासन, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। आप तो 4 मई की घटना पर FIR दर्ज कर रहे हैं, अब यहां तो 24 घंटा में गिरफ्तारी हो गई। ये बयान वीर लोगों को सब समझ में नहीं आएगा, ये सब इन लोगों के दिमाग के से ऊपर की चीज। सदन के अंदर पर चर्चा होनी चाहिए क्या इस मुद्दे पर? सदन के अंदर पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को मणिपुर की घटना पर संसद को अवगत कराना चाहिए। गृह मंत्री क्या जवाब देंगे? अरे मणिपुर का मुख्यमंत्री उनका चेला है, उनका शिष्य है, उसको बनाने वाले ये हैं, उसके मेंटर ये हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इस देश को जो हेट कर रहा है उसको जवाब देना चाहिए कि मणिपुर की घटना क्या हुई, उन्होंने क्या किया। ये सारा तथ्यों से सदन को अवगत कराना चाहिए, उसके बाद सदन पर विचार, सदन बहस करेगी, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। उससे नीचे में अभी तक जो जितने भी पक्षी दल हैं उनमें एकमतता है कि हम प्रधानमंत्री से नीचे किसी का स्टेटमेंट संसद